शासकीय लक्ष्मी सरस्वती गोपाल कृष्ण महाविद्यालय पोहरी के गोद ग्राम खोड़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का दिनांक 31 मार्च 2023 को समापन कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर एपी गुप्ता, जन भागीदारी अध्यक्ष नरोत्तम धाकड़ मारोरा, प्रोफेसर लक्ष्मी गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा एवं समस्त महाविद्यालयीन स्टाफ उपस्थित रहा। शिविर में 7 दिनों में की गई गतिविधियों के बारे में छात्र छात्राओं से उनके अनुभवों को जाना। छात्रों ने एक एक करके अपने अनुभव बताए कि किस तरह उन्होंने एकजुट होकर समाज सेवा की, स्वच्छता अभियान में किस प्रकार हमें संतुष्टि मिली, ये सब छात्रों ने बताया। प्राचार्य डॉक्टर एपी गुप्ता ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज सेवा करने से, अध्ययन करने से, शिविर एवं अन्य कार्यक्रम में भाग लेने से, आगे आकर बोलने से आप में आत्मविश्वास पैदा होगा, वक्तत्व कला सीखोगे और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर धर्मेश शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया एवं महाविद्यालयीन समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राओं को शिविर में सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं दी। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। की संकल्पना निर्धारित की थी, किसी भी योजना का उत्थान या पतन आपके दृढ़ विश्वास पर निर्भर करता है, आपकी कार्य योजना और फिर उस पर विश्वास। और ये जैसा कि मैडम ने आपसे कहा, ये केवल आपका अपना शिविर, ये 7 दिन का शिविर नहीं है, ये जिंदगी की एक पाठशाला है। इस पाठशाला में आप सीखते हैं कि जिस काम को अपन ने हाथ में लिया है उसको पूर्ण कैसे किया जाए। जैसे अपने घर में चाहे वो कथा हो, चाहे भागवत का पाठ हो, तो नियमित रूप से 7 दिन चलता है ना भागवत कथा, नहीं चलती। उसमें पंडित जी नियम पूर्वक आप उसे कथा का जो भी सामान होता है वो मंगवाते हैं, हवन पूजन जो कुछ होता है वो होता है। तो ये भी आपकी जिंदगी का हवन पूजन है, है कि नहीं? हवन पूजन आप यहाँ पे रहकर राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के माध्यम से अपनी जिंदगी की गतिविधियों को सीख सकते हैं, इसलिए ये शिविर लगाए जाते हैं। सहमत है कि आप लोग इस बार इसको ना केवल आप देखिए, आप आज यहाँ सीखेंगे तो आप अपने घर की झाड़ू भी सही से लगाएंगे, और आपने यहाँ नहीं सीखा तो आपके घर की झाड़ू भी नहीं लगाओगे आप, और आपका घर गंदा लिखेगा। जब कोई मेहमान अतिथि आपके घर में आएंगे तो वो भी कहेंगे जी कैसा घर है, गंदा घर पड़ा हुआ है। केवल अपने आप को क्रीम पाउडर लगा लेना, अच्छे से कपड़े पहन लेना, ये थोड़ी स्वच्छता है। स्वच्छता तो अपना वातावरण को शुद्ध करना है, अपने आसपास को, अपने परिवेश को और अपने विचारों को परिष्कृत करना है, ये भी मैडम एंड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज देवदत्त दुबे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकंड ईयर, और मेरा इस कैंप को लेकर बहुत ही अच्छा अनुभव है। यहाँ प्रथम दिवस माननीय प्राचार्य महोदय ने और सभी शिक्षकों ने कैंप का शुभारंभ किया। इस कैंप में माता सरस्वती माता की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, गांधी जी के पर माल्यार्पण किया, और गांव में साफ सफाई के लिए लोगों को समझाया, पेड़ों को संरक्षण किया, लोगों को अवेयर किया, उनको समस्याएं जानी, और यहाँ के पार्षद वगैरह से मिलकर जो भी समस्याएं थी उनका निराकरण किया। इस कैंप में हमने कई तरह के खेल खेले, जैसे कि एक दिन कोई भी एक टॉपिक पे आपको बोलना था उस टॉपिक के रिलेटेड, और कई तरह की एक्टिविटीज़ की गई। इस कैंप में बच्चों ने बोलना सीखा, अपना हुनर दिखाया, और गुड आफ्टरनून सभी मेरे फ्रेंड्स, तो बस यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा कुछ रहा नहीं, क्योंकि ये विधिवत तरीके से कैंप लगा नहीं, सही तरीके जिस तरीके से लगना चाहिए। और यहाँ पे बस एक चीज़ सीखने को हमने मतलब मिलती है, अगर सोचते तो कि टाइम पे आ जाते, क्योंकि टाइम पे कोई बच्चा आया नहीं है। सर ने बोला कि इतने बजे आना, तो उस टाइम पे कोई आया नहीं है, तो टाइम की तो कोई यहाँ पे आई नहीं, कुछ सीखा हो किसी बच्चे ने टाइम का, तो ये तो है नहीं। और दूसरी बात कि मतलब सब बच्चे आते तो यहाँ पर कोई प्रोग्राम होते, मतलब कोई भी गेम होता या फिर मतलब साफ सफाई का भी अच्छे तरीके से प्रोग्राम होता, तो वो भी नहीं है, क्योंकि सब बच्चे नहीं आए, तो
बस अनुभव की तो खैर ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, थोड़ा हुआ दिए कि मतलब हमारे टाइम पे कुछ बच्चे नहीं आए और मतलब गांव में जाके कुछ को लोगों को जागरूक किया और जो मतलब जो फॉर्म आए थे तो फॉर्म भरवाए, बस सर।